फ्रेंड्स, अपने यूनिक व्यूज सेगमेंट में आज हम आपके सामने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित एक ऐसे गांव का वीडियो लेकर आए हैं जहां सांप के नाराज होने के डर से पूरा गांव ही कच्चे मकान में रहता है। सारी संपन्नता होते हुए भी सदियों से गांव के लोग कच्चे मकान में ही रहते हैं, वे अपने मकान को पक्का नहीं बनाते। दरअसल गांव के लोगों का मानना है कि यहां पर पक्के मकान नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर सांप उन्हें नुकसान पहुँचाएंगे। मान्यता के मुताबिक कच्चे मकान में इस गाँव में अभी तक किसी को सांप ने नुकसान पहुँचाया भी नहीं है। इस गाँव का नाम करैया राख है जहां 200 से ज़्यादा परिवार कच्चे मकानों में रहते हैं, जबकि गांव के लोग सभी तरह से संपन्न हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं भी गांव में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, यहां लोगों के पास ट्रैक्टर, कार और टू व्हीलर जैसे वाहन भी मौजूद हैं, फिर भी मकान कच्चे ही हैं। लोगों की मान्यता है कि 500 साल पहले इस गांव के राजा के पास एक घोड़ा था जिसको चुराने के लिए कुछ चोर इस गांव में आए थे, लेकिन मान्यता है कि उस घोड़े को चुराने से पहले ही एक सांप ने वहां भविष्यवाणी की। सांप ने भविष्यवाणी में चोरों को इस गांव से चले जाने को कहा था, साथ ही भविष्यवाणी में कहा था कि कोई भी इस गाँव में पक्की ईंट नहीं लगाएगा, अगर कोई पक्की ईंट लगाता है तो उसे नाग देवता डस लेंगे। इसके बाद चोर तो इस गांव से चले ही गए, साथ ही यह भविष्यवाणी भी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। बस तभी से यह मान्यता भी बन गई है कि इस गांव में पक्के मकान नहीं बनाने हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में भारी तादाद में सांप रहते भी हैं, लेकिन इसके बाद भी इन सांपों ने गांव के लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें यह सुनने को आए कि सांप के काटने से लोग मर गए या सांप के काटने से लोगों को नुकसान हुआ है। कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर भी फॉलो करें। LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।